इजी टू डिजाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 3D मॉडल प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम ये मॉडल ड्रॉ करेंगे इस 2D ड्राइंग की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप प्लेन सेलेक्ट करें, स्केच। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ड्राइंग को अच्छी तरह से रीड करें और स्टेप वाइज बनाना शुरू करें। फर्स्ट स्टेप में हम ये नीचे का बेस ड्रॉ करेंगे, जिसका लेंथ 130 mm, विड्थ 80 mm और थिकनेस 15 mm, होल का डायमीटर 18 mm, हॉरिजेंटल CD 20 mm, वर्टिकल CD 20 mm और ये चारों होल का डायमीटर 18 mm है। रेक्टेंगल कमांड की मदद से सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करें, जिसका लेंथ 130 mm, एंटर। विड्थ 80 mm, एंटर। सर्किल कमांड की मदद से सर्किल ड्रॉ करें, जिसका डायमीटर 18 mm, एंटर। हॉरिजेंटल CD 20 mm, वर्टिकल CD 20 mm, एंटर। एक सेंटर लाइन ड्रॉ करें। मिरर एंटिटीज सेलेक्ट करें, सर्किल और मिरर अबाउट में ये सेंटर लाइन सेलेक्ट करें और ओके करें। फ्यूचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसका थिकनेस 15 mm, एंटर। ओके करें। सेकेंड स्टेप में हम ये पोर्शन ड्रॉ करेंगे, इसके साथ में अटैच ये सर्कुलर पाइप ड्रॉ करेंगे और ये एक्सट्रूडेड कट, ये भी एक ही बार में स्केच करेंगे और सेलेक्टेड कॉन्टूर्स की मदद से एक एक करके एक्सट्रूड करेंगे। इसका हाइट 90 mm और थिकनेस 15 mm। इसके एज पे फिलेट लगा हुआ है, जिसका रेडियस 20 mm, होल का डायमीटर 18 mm, हॉरिजेंटल CD 20 mm, वर्टिकल CD 20 mm। तो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल व्यू। रेक्टेंगल कमांड की मदद से कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करें। हाइट 90 mm, ये एज और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें ये लाइन और रिलेशन में कोलिनियर अप्लाई करें। सर्किल कमांड की मदद से सर्किल ड्रॉ करें, जिसका डायमीटर 18 mm, एंटर। हॉरिजेंटल CD 20 mm, एंटर। वर्टिकल CD 20 mm, एंटर। एक सेंटर लाइन ड्रॉ करें। मिरर एंटिटीज सेलेक्ट करें, सर्किल और मिरर अबाउट में ये सेंटर लाइन। ओके करें। दोनों साइड में फिलेट लगा हुआ है, तो फिलेट कमांड एक्टिव करें, रेडियस 20 mm सेलेक्ट करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ओके करें। सर्कुलर पाइप का ID 32 mm और OD R25 मीन्स 50 mm डायमीटर और वर्टिकल CD 53 mm। सर्किल कमांड की मदद से सर्किल ड्रॉ करें। थर्टी टू एम एम
एंटर, और दूसरा सर्किल 50 mm एंटर, वर्टिकल सीडी 53 mm एंटर, सर्किल के सेंटर पॉइंट और शिफ्ट के साथ ये ओरिजिन पॉइंट को सेलेक्ट करें और मैक वर्टिकल रिलेशन अप्लाई करें। आर्क का रेडियस 5 mm और ये बीच का गैप 10 mm और इधर का भी 10 mm, टोटल 30 mm। आर्क कमांड की मदद से 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करें जिसका रेडियस 5 mm एंटर। यह पॉइंट और शिफ्ट के साथ यह लाइन सेलेक्ट करें और मेक कॉन्सिडेंट रिलेशन अप्लाई करें। यह पॉइंट और शिफ्ट के साथ ये पॉइंट सेलेक्ट करें और रिलेशन मेक वर्टिकल अप्लाई करें। लाइन ड्रॉ करें यहाँ से यहाँ और इसका गैप 10 mm एंटर। मिरर एंटिटीज सेलेक्ट करें ये लाइन और मिरर अबाउट में ये सेंटर लाइन सेलेक्ट करें और ओके करें। अब हम एक एक करके एक्सट्रूड करेंगे। फ्यूचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, सेलेक्टेड कॉन्टूर्स वाले बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट करें। तो पहले हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसे रिवर्स डायरेक्शन करें। मर्ज रिजल्ट ऑन रखें, ओके करें। यहाँ पे क्लिक करें और स्केच पे राइट क्लिक करें और शो करें। 3rd स्टेप में हम ये सर्कुलर पाइप एक्सट्रूड करेंगे जिसका हाइट 55 mm है। एक्सट्रूडेड बॉस बेस सेलेक्ट करें ये सर्किल, सेलेक्टेड कॉन्टूर्स वाले बॉक्स में क्लिक करें, सेलेक्ट करें स्केच टू और डिलीट करें और सेलेक्ट करें ये एरिया। रिवर्स डायरेक्शन करें और हाइट 55 mm एंटर, ओके करें। फोर्थ स्टेप में हम ये एरिया एक्सट्रूड करेंगे जिसका हाइट 38 mm है। एक्सट्रूडेड बॉस बेस सेलेक्ट करें ये लाइन, सेलेक्टेड कॉन्टूर्स वाले बॉक्स में क्लिक करें और स्केच टू डिलीट करें और सेलेक्ट करें ये एरिया। रिवर्स डायरेक्शन करें और हाइट 38 mm एंटर, ओके करें। और ये स्केच पे राइट क्लिक करें और हाइड करें। फिफ्थ स्टेप में हम ये डिप अप्लाई करेंगे, ये मिड प्लेन पे है और इसकी हाइट 2 mm है यहाँ से। तो हम इसके लिए एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे, तो हम राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल व्यू। लाइन कमांड की मदद से लाइन ड्रॉ करें यहाँ से यहाँ और ये ऊपर हाइट 2 mm, 2 mm एंटर। और इसका विड्थ 10 mm। फ्यूचर्स रिब
थिकनेस 10 mm, ओके करें तो रिव अप्लाई हो गया। एडिट अपियरेंस सेलेक्ट करें ग्रीन कलर, ओके। ट्रायमेट्रिक व्यू बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें।